नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चल करके दानापुर नगर परिषद में हम आ गए हैं वार्ड नंबर 27। राजीव रंजन जी हैं, यह भावी प्रत्याशी हैं। अगली बार कुछ वोटों से यह समझ के हार गया थे, लेकिन यह समझ के दावा तोड़ जनता जनार्दन के बीच में काम करते रहे और सेवा में समर्थन, सेवा ही धर्म के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में काम कर रहे। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या है मेन विकास के मुद्दे पे यह बात करते हैं। इनका विकास करने का तरीका अलग है, क्योंकि मौजूदा जो पार्षद है उनके द्वारा कोई विकास नहीं हो रहा है। जनता जनार्दन यहाँ त्रस्त है और जनता जनार्दन इस पर बदलाव करेगी। बदलाव का ऐसा बिगुल बजेगा, यह जनता जनार्दन का समर्थन देखिए, यह समर्थन ही बता रहा है कि इस बार ऐसा हम बदलाव करेंगे कि नया चेहरा, नया उम्मीदवार जो विकास कर सके वार्ड नंबर 27 को। आइए अब हम बात करेंगे राजीव रंजन जी से कि सर क्या कुछ है, किस तरह से वार्ड को विकास करेंगे, क्या आपका संकल्प पत्र है। हाँ सर, सर्वप्रथम नमस्कार वार्ड नंबर 27 की जनता मालिकों को। वार्ड नंबर 27 में ऐसे तो कहिए तो कमी ही कमी, क्योंकि मौजूदा जो होना चाहिए था विकास वो नहीं हुआ, क्योंकि दानापुर नगर परिषद का वार्ड नंबर 27 जो है दानापुर नगर परिषद कार्यालय के जस्ट सामने पड़ता है, दतिया प्रसिद्ध आता है, और मेन रोड के दानापुर गांधी मैदान मुख्य सड़क के समीप बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह का चाहिए आज भी वही पुराने प्रथा में जो पहले से किया गया कार्य जो है, खुला हुआ नाली, मुंह पाइप नाली होता है आजकल, नल जल का व्यवस्थित ढंग से करना, कचरा डेली साफ नहीं होना, छः आठ लेबर है हमारे यहाँ, तीन लेबर ही डाला गया है, बाकी सब पॉकेट में है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, किसी तरह का व्यवस्था उस तरह का नहीं है। डेली हमारे द्वारा अभी भी जो वार्ड पार्षद का काम, श्रम कार्ड बनवाना, आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, वो सब हम अभी कर रहे हैं, और हारने के बाद कुछ वोटों से हम हारे, हारने के बाद भी निरंतर हम जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। सर आपके क्या है संकल्प पत्र, क्या है वो थोड़ा बताइए जनता की।